लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण और स्पीकर चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को उन्होंने संबोधित किया। इन सबके बीच संसद में स्थापित किए गए सैंगोल पर सियासत गर्म हो चुकी है। विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सैंगोल को हटाने की मांग अब शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सैंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान स्थापित करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आरके चौधरी ने कहा कि संविधान महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का प्रतीक है। अपने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संसद में सैंगोल स्थापित किया। सैंगोल का अर्थ है राजदंड, इसका अर्थ राजा का डंडा भी होता है। रियासती व्यवस्था को खत्म करके देश आजाद हुआ, देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से? मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए संसद से सैंगोल को हटाया जाए। और अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। आरके चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है और कुछ बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं। ये हमेशा होता है और हम लोग सब सुनते हैं उनका। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। सैंगोल हटाने को लेकर के आपके सांसद कह रहे हैं कि सैंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं है देखिए, जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा? जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सैंगोल पर हमला। कहते हैं कि सैंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई, राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सैंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी, जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है। आज वो सैंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। द समाजवादी पार्टी हैज अपोज्ड सैंगोल इन पार्लियामेंट। इट सेज दैट इट इज राजा का दंड। इफ इट वॉज राजा का दंड, वाई डिड जवाहरलाल नेहरू जी एक्सेप्ट द सैंगोल? This shows the mindset of Samajwadi Party. First they attack and abuse Ramcharitmanas, now Sengol, which is part of Indian culture and Tamil culture particularly. Does JMK support this kind of insult of Sengol? They must clarify. The question is that the mindset to reduce Sengol to a walking stick for many, many decades. जो हम आशा करते हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं उस पर वो गौर करें और उन पे अपनी व्यक्तिगत राय प्रकाशित करें। दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से सपा ने जो डिमांड रखी है कि सैंगोल की जगह कॉन्स्टिट्यूशन की रेप्लिका को रिप्लेस करना चाहिए, सैंगोल को रिप्लेस करना चाहिए, देखिए सैंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहां पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए? भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से एतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बटवा